वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, अ बिग हेलो। और देखिए, इस देश के गणतंत्र को सलाम है, और जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब हम गंगा जमुनी तहजीब को जीते हैं। हम उस तहजीब की बात ही नहीं करते, हम उस तहजीब को जीते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एबीपी न्यूज के दर्शकों का। इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, और मैं अकेला यहाँ मौजूद नहीं हूँ। मेरे साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कास्ट है, मेरे साथ विक्की कौशल है। विक्की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यामी गौतम हमारे साथ है, यामी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सतेंद्र सरताज, कौन नहीं जानता इनको, बहुत बहुत स्वागत है सतेंद्र आपका। थैंक यू। और एक और शख्स है जिन्हें हर कोई जानता है, मेरे संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपका भी बहुत स्वागत है अटारी वाघा बॉर्डर। आज नीरज हमें बताएंगे कि यहाँ पर परेड क्यों होती है, यहाँ पर परेड कैसे होती है। लेकिन उससे पहले विक्की, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाउ इज द जोश सर? हाय सर, और दर्शकों का जितना प्यार मिला है। हाय सर। देखिए, जोश यहाँ पर हमेशा से आया रहता है, लेकिन उरी के आने के बाद जोश और बढ़ गया है। यहाँ पर तमाम फिल्मी सितारे हैं जो बाकायदा इस जोश के में पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि हम जिस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे 2 फरलांग की दूरी पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा में भी दर्शक पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं, और यकीन जानिए वहाँ मनोरंजन के नाम पर सिर्फ ढोल बज रहा है। हमारी देशभक्ति को वो वहाँ से देख रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। मैं आपसे विक्की पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ 2 फरलांग की दूरी पर है, मन कर रहा है हो जाए एक और सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं नहीं, कभी ऐसे भगवान न करे ऐसे कभी नौबत भी आए कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़े। हमेशा हम यही आशा करना करते चाहते हैं, ये तो वो मजबूर करते हैं हमको। तो हमारी आशा तो यही रहेगी कि अमन बढ़े, शांति बढ़े, भाईचारा बढ़े, तो दोनों को यू नो बस प्यार बढ़े दोनों के बीच में। जी यामिनी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरीके का अनुभव रहा उरी में काम करने का, वो जज्बा, और यहाँ जब आप खड़ी हैं ये जज्बा, कौन सा ज्यादा हाई लगता है आपको? एक्चुअली इस माहौल में आके जहाँ पर आज हम हैं, बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है। हम बहुत मिस कर रहे हैं अपनी टीम को, हम बहुत मिस कर रहे हैं। आई विश हमारे डायरेक्टर यहाँ पे होते आदित्य धर, आई विश हमारे प्रोड्यूसर यहाँ होते रॉनी, हम बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। और बहुत ही मजा आया काम करके, बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ काम किया है। ऑफकोर्स बहुत पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है, और जिस तरीके से पूरे देश ने फिल्म को एक गले लगाया है, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत 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 खुशी हो रही है। और आई थिंक इससे बेहतर दिन नहीं, इससे बेहतर तरीका नहीं है हमें शुक्रिया अदा करने का और साथ में गणतंत्र दिवस मनाने का। यामी, आप पहली बार वाघा अटारी बॉर्डर पर आई हैं, आप लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरा मन कर रहा है, आई विश कि हम लोग भी परफॉर्म करते, मेरा ये मन कर रहा है कि हम लोग भी नाचते, हम लोग भी झूमते, हम लोग भी सिर्फ 2 मिनट हम लोगों ने माइक पर बात की, पर जो भी वो इंटरेक्शन थी, जो एक जज्बा है, एक जोश है, और एक अपने आप ही देशभक्ति की जो भावना है वो अपने आप आ जाती है, वो अपने आप फील करते हैं जब बीएसएफ के आप जवानों के साथ यहाँ पर हैं, इतने दिग्गजों के साथ आप यहाँ हैं। वाकई ऐसा लगता है कि आई विश की सारे पूरा साल हम ऐसे मनाते रहे। देखिए, अभी जब परेड शुरू होगी यामी, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यकीन मानिए। आप पहले भी देख चुके हैं ये परेड, आप पहले भी आ चुके हैं, क्या फर्क? मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा, जब पहले मैं आया था तब मैं टुवर्ड्स दी एंड पहुंचा था, तो मैं इतनी ग्लोरी में देख नहीं पाया था। तो ये एक तरीके से मेरे लिए भी पहली दफा ही है कि जब मैं आ रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन के एकदम बीचों बीच मुझे होने का मौका मिल रहा है, और ये एनर्जी कहीं और रिपीट नहीं हो सकती। ये जो एक एहसास है, ये इमोशन है, ये बहुत स्पेशल है। मैंने तो देखा आपको देखने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स भी 2 कदम पीछे आ गए। पुरी का हीरो आ गया कहीं दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक न करते। लेकिन वाकई यहाँ पर जो देशभक्ति का जज्बा आपको देखने को मिलता है, आपने फिल्म में काम किया, बहुत जज्बे के साथ काम किया, बीएसएफ के जवानों से आप मिले, आपको लगा कि आपने उन्हें जिया है पूरी तरीके से, क्योंकि मेहनत आपने भी कम नहीं की? देखिए, हमने कोशिश पूरी की है, पर जब आप उनसे मिलते हैं, जब आप उनके किस्से सुनते हैं, उनके जीवन के किस्से सुनते हैं, आपको एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं उनके सामने। वो एक अलग हस्ती हैं, वो रियल हीरोज हैं हमारे देश के। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।